साउंड वेव्स के डाउट्स हम कंटिन्यू करते हैं। मैंने मेरे पिछले लेक्चर में स्टडी पैकेज के 43rd प्रॉब्लम शायद लास्ट कराया था। इनफैक्ट इस स्टडी पैकेज में वेव्स एंड स्ट्रिंग के प्रॉब्लम्स भी हैं और साउंड वेव्स के प्रॉब्लम्स भी हैं। वेव्स एंड स्ट्रिंग पर बेस्ड तो मैंने ढेर सारे प्रॉब्लम्स पिछले चैप्टर में डिस्कस कराए थे, अभी मैं साउंड वेव्स पर जो प्रॉब्लम्स है उन्हें छाट छाट के करा रहा हूँ। और आई डिसाइडेड कि पीएफपी के तो ऑलमोस्ट सारे सारे प्रॉब्लम्स ही कर डालूंगा मैं, और इसमें साउंड वेव्स में आने वाले सारे सारे कंसेप्ट रिवाइज हो जाएंगे, उनका सबका इलस्ट्रेशन हो जाएगा। और आज जिन प्रॉब्लम को सबसे पहले मैं कराऊंगा, सबसे पहले 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57। इन प्रॉब्लम्स को हम पहले यहां तक करते हैं, फिर देखते हैं कितना समय बचेगा, उस हिसाब से और आगे प्रॉब्लम्स लिख लूंगा। पहले यह 2-3 8-9 प्रॉब्लम पहले कर लेता। 49th प्रॉब्लम पढ़ते हैं, समझते हैं, इसको रीड करते हैं, सॉल्व करने का तरीका सीखते हैं। 49th प्रॉब्लम देखिए, अ स्टील ट्यूब ऑफ लेंथ 1 मीटर। यह एक स्टील ट्यूब है, इसकी लेंथ है 1 मीटर। इज स्ट्रक एट वन एंड, इसे एक एंड से स्ट्राइक करा गया, इसे इस तरीके से एक एंड से पीटा जा रहा है। इट्स स्ट्रक एट वन एंड। अ पर्सन विथ ईयर क्लोज टू अदर एंड, इस जगह पर अ पर्सन विथ इज ईयर क्लोज टू अदर एंड हियर्स द साउंड ऑफ द ब्लो ट्वाइस। मैंने क्लास में बताया है, साउंड एक तो स्टील के थ्रू ट्रेवल करेगी और दूसरी एयर के थ्रू ट्रेवल करेगी। एक तो साउंड स्टील के थ्रू ट्रेवल करेगी और एक साउंड ट्रेवल करेगी एयर के थ्रू, तो दो आवाजें उसको सुनाई देंगी। फाइंड द टाइम गैप बिटवीन द टू हियरिंग, यूज द टेबल इन द टेक्स्ट फॉर द स्पीड ऑफ साउंड इन द वेरियस सब्सटेंस। देखिए, हम कहते हैं इन स्टील एंड इन एयर वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। इन स्टील जो टाइम लगेगा T1, एंड दैट इज 1 मीटर अपॉन, और मैं तो अभी जनरलाइज तरीके से लिखता हूं, डी अपॉन V1। वाइल इन एयर टाइम इज T2, दैट इज डी अपॉन V2। V1 इज सम 6000 meters per second एंड V2 इज 320 meters per second। अब द टाइम गैप बिटवीन द टू हियरिंग डेल्टा टी, ध्यान रहे मैं इधर इस बात को बता दूं, सिंस V1 इज ग्रेटर देन V2, सिंस V1 इज ग्रेटर देन V2, देयरफॉर T2 वुड बी ग्रेटर देन T1। स्टील के अंदर साउंड की वेलोसिटी ज्यादा है, एयर में साउंड की वेलोसिटी कम है। स्टील में कुछ 6000 मीटर्स पर सेकंड के रेंज में होती है और एयर में यह वेलोसिटी होती है 320 मीटर्स पर सेकंड। तो एयर में वेलोसिटी कम है, स्पीड कम है साउंड की, और स्टील में साउंड की स्पीड ज्यादा है, इसलिए स्टील में साउंड को ट्रेवल करने में समय कम लगेगा और एयर में साउंड को ट्रेवल करने में समय ज्यादा लगेगा। तो जो टाइम गैप होगा डेल्टा टी, वो हम कहेंगे T2 - T1 और D/V2 - D/V1। ये ही हमसे पूछा गया है, इसे सॉल्व कर दीजिए।
डी इंटू वी वन माइनस वी टू अपॉन वी वन प्लस वी टू. सॉल्व इट एंड यू वुड गेट द आंसर. आप वी वन की जगह 6000 मीटर पर सेकेंड रखिए, वी टू की जगह पर 320 मीटर पर सेकेंड रखिए और डी की जगह 1 मीटर रखिए. पूरा का पूरा प्रॉब्लम आप ऐसे ही सिस्टम में सॉल्व कीजिए, आपको यह टाइम डिफरेंस मिल जाएगा. मैं सीधा पीछे से देखकर आंसर लिख देता हूं. द आंसर टू दिस प्रॉब्लम इज 2.75 मिली सेकेंड्स. 2.75 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 सेकेंड्स और यू विल से 2.75 मिली सेकेंड्स. This is 49th problem. This is the concept of the problem. Simple sa sound ki speed ka or time. Or I think it's a simple problem. Koi bahut jyada isme kalakari wali baat nahi hai. Sirf yaha kaha gaya hai ki jab aap steel rod ko is jagah par peetenge to ek sound wave travel karegi steel ke through जिसकी स्पीड ज्यादा होगी, जिसमें लगने वाला समय कम होगा, और एक साउंड वेव ट्रैवल करेगी एयर के थ्रू जिसकी स्पीड कम होगी और जिसकी जिसमें लगने वाला समय ज्यादा होगा. तो टाइम गैप होएगा, दो आवाजें सुनाई देंगी उसमें टाइम गैप होएगा और यह टाइम गैप हम इस तरह से डिटरमाइन कर देंगे. टी वन टाइम टी टू टाइम दोनों में निकाला और दोनों का डिफरेंस देख दिया. 50th प्रॉब्लम इसी समय करेंगे, यह भी सिंपल सा है. अ मैन स्टैंड बिफोर अ लार्ज वॉल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर. अ पर्सन इज स्टैंडिंग हियर और एक बड़ी सी दीवार के सामने खड़ा है. बड़ी सी दीवार 50 मीटर की दूरी पर है. क्लैप्स हिज हैंड, ताली बजाता है. एट रेगुलर इंटरवल, वो जो ताली बजा रहा है एक रेगुलर इंटरवल, एक फिक्स टाइम के टाइम गैप के साथ बजा रहा है. इनिशियली द इंटरवल इज लार्ज, ही ग्रेजुअली रिड्यूसेस द इंटरवल एंड फिक्सेस इट एट द वैल्यू व्हेन इको ऑफ क्लैप मर्ज विद द नेक्स्ट क्लैप. यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इको मर्ज With the next clap. इसका मतलब है, इसका मतलब है कि जितने समय में साउंड 50 मीटर वॉल से ट्रेवल करके लौट कर आती है उतने ही समय में अगली क्लैप बजाता है. मीन्स इको में लगने वाला समय है टी, इको को लौट के आने वाला समय है टी, देन दैट इज इक्वल टू टाइम इंटरवल बिटवीन द टू क्लैप्स. दिस इज टाइम ऑफ इको एंड दिस इज टाइम इंटरवल ऑफ क्लैप. यह फंडा हमको लगाना है. अब देखिए कैसे लगाएंगे. इफ ही क्लैप्स 10 टाइम्स ड्यूरिंग एवरी 3 सेकेंड, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर. 10 क्लैप्स पर 3 सेकेंड्स, तो मैं कहूंगा टाइम इंटरवल इज 3 सेकेंड पर 10 क्लैप्स और 0.3 सेकेंड. दिस इज द टाइम इंटरवल. अब इतने ही कितने समय में इको लौट कर आएगी, तो मैं कहूंगा वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम और टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस की जगह पर मैं लिखूंगा 2 इंटू 50 मीटर अपॉन वेलोसिटी.
टाइम इक्वल टू डी बाई वी, यह कर रहा हूं मैं। तो यह टाइम हुआ। नाउ टी इज इक्वल टू कैपिटल टी, यह कर दिया जाए तो डी की जगह मैं लिखूंगा 100, स्मॉल टी की जगह 100 बाई वी इज इक्वल टू कैपिटल टी की जगह 0.3। सो वी इज इक्वल टू 100 अपॉन 0.3 मीटर्स पर सेकेंड, और वी इज इक्वल टू 333.3 मीटर्स पर सेकेंड। दिस वुड बी द स्पीड ऑफ साउंड इन दिस एयर एट दिस कंडीशन। वो जहां जिस एनवायरमेंट में तालियां बजा रहा है, उस जगह पर जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसमें साउंड की स्पीड यह है। इको मर्ज विथ नेक्स्ट क्लैप, मतलब एक बार ताली बजाई, वो आवाज ट्रेवल करी, टकरा के लौटी, जैसे वो लौटी उसी समय से दूसरी ताली बजाई, तो दोनों मर्ज हो गए। तो टाइम इंटरवल ऑफ क्लैप निकाला और टाइम फॉर द साउंड टू रिटर्न वह निकाला और दोनों को इक्वेट कर दिया और स्पीड ऑफ साउंड हमारी आ गई। नोट डाउन कीजिए, इसके बाद 51st प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिए दोनों सॉल्यूशन। चलिए 51st प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अब बड़े ध्यान से प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, क्या दिया गया है, क्या पूछा गया है देखेंगे। अ साउंड सोर्स ऑपरेट्स एट 2 kHz, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 2 kHz, जिसका मतलब है 2000 Hz। 20 W emitting sound uniformly in all the direction, power दे रखा है 20 W और 20 J per second, and it's uniformly emitted in all the direction. The speed of the sound in air is 340 meters per second. And the density of air is 1.2 kg per meter cube. मैं यूनिट्स को बड़े ध्यान से देखता हूं ऐसे सवालों में, जब मुझको दिखता है कि काफी सारा डेटा दे रखा है, तो उन सब डेटा को जब इस तरह से लिखता हूं तो यूनिट्स पर विशेष ध्यान देता हूं। मैं क्या कर रहा हूं, यह एंश्योर करता चल रहा हूं दैट ऑल द डेटा इज गिवन इन SI सिस्टम, जो यूनिट्स हैं सबके SI सिस्टम है, हर्ट्स परफेक्टली ऑल राइट, जूल्स पर सेकेंड और वॉट दैट इज ऑल्सो SI यूनिट ऑफ पावर, मीटर्स पर सेकेंड दैट इज द SI यूनिट ऑफ वेल स्पीड, एंड kg पर मीटर क्यूब दैट इज SI यूनिट ऑफ डेंसिटी। ठीक है, यहां तक मुझे सब कुछ ठीक दिख रहा है। और जब इस तरह की ढेर सारे डेटा दे रखे होते हैं तो एकदम से ये भी समझ जाना चाहिए कि अब इस प्रॉब्लम में चैप्टर में आने वाले कुछ वह फॉर्मूले इन्वॉल्व्ड हैं जो हमने डिराइव कर रखे हैं और उन फॉर्मूले का अब एप्लीकेशन आया है। व्हाट इज द इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 meters? इफ डिस्टेंस इज 6 meters तो इस जगह पर सबसे पहले उन्होंने इंटेंसिटी पूछी है। इंटेंसिटी क्या होती है जरा रिकॉल करें, इंटेंसिटी इज पावर पर यूनिट एरिया, इंटेंसिटी। अब यह जो पावर है 20 W, यह चारों तरफ यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो रहा है, तो 6 meters की दूरी पर यह पावर स्प्रेड हो जाएगा 4πr² के एरिया में। यह जो पावर स्प्रेड हो जाएगा
4 पाई आर स्क्वायर के एरिया में, ए पार्ट सबसे पहले सोच रहा हूं, यह कंसेप्ट लगाऊंगा। जो सोर्स है उसने साउंड एनर्जी रेडिएट करी और वह साउंड एनर्जी 20 वाट मतलब 20 जूल्स पर सेकेंड, 6 मीटर की दूरी पर जो स्फीयर का एरिया है उसके थ्रू पास करेगी, उसमें स्प्रेड हो जाएगी, तो वहां पर जो इंटेंसिटी होगी दैट इज पावर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। इस इंटेंसिटी को मैं पावर की जगह पर मैं लिखूंगा 20 वाट और एरिया की जगह पर मैं लिखूंगा 4 पाई इंटू 6 मीटर स्क्वायर। इसे सॉल्व करना होगा, इसे सॉल्व करके मुझे इंटेंसिटी मिल जाएगी। अब मैं अगला पार्ट पढ़ता हूं, व्हाट विल बी द प्रेशर एम्पलीट्यूड एट दिस पॉइंट। नाउ प्रेशर एम्पलीट्यूड एट द पॉइंट, नाउ इंटेंसिटी रिलेटेड टू प्रेशर एम्पलीट्यूड, जरा रिकॉल कीजिए, इंटेंसिटी इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ प्रेशर एम्पलीट्यूड अपॉन 2 रो वी। यह हमने बता रखा है, जो बी पार्ट है हमसे पूछा गया है प्रेशर एम्पलीट्यूड पी नॉट, तो यह प्रेशर एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी के साथ रिलेटेड है। इस तरह से मैं इंटेंसिटी की जगह पर यह वैल्यू रखूंगा, प्रेशर एम्पलीट्यूड निकालना है, रो की जगह पर डेंसिटी मुझे दे रखी है, वेलोसिटी भी मुझको, स्पीड भी मुझको दे रखी है, तो मैंने इंटेंसिटी की जगह पर तो लिख दिया 20 वॉट पर मीटर स्क्वायर अपॉन 4 पाई इंटू 36 इज इक्वल टू पी नॉट स्क्वायर, मुझे निकालना है 2 टाइम्स, रो की जगह पर मैं लिखूंगा 1.2 केजी पर मीटर क्यूब। सिंस ऑल द यूनिट्स आर गिवन इन एसआई सिस्टम, तो यूनिट की परवाह करने की आवश्यकता नहीं है, जो भी आंसर आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा वो भी एसआई सिस्टम में ही आएगा। स्पीड की जगह पर मैं लिखूंगा 340 मीटर्स पर सेकेंड, तो इस तरह से मुझको पी नॉट स्क्वायर मिलेगा और यह पी नॉट स्क्वायर होएगा 20 अपॉन 4 पाई इंटू 36 इंटू 2 इंटू 1.2 इंटू 340 पास्कल स्क्वायर। पी नॉट निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, इसका अंडर रूट कर देता हूं, अंडर रूट ऑफ 20 इंटू 2 इंटू 1.2 इंटू 340 अपॉन 4 पाई इंटू 36 दिस मच पास्कल। दिस इज द पार्ट बी, इसे सॉल्व कर लेंगे पी नॉट के लिए। अब मैं सी पार्ट देखता हूं, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड एट दिस पॉइंट। अब इसके बाद सी पार्ट में हमसे पूछा है डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड को हम एस नॉट से लिखते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड के लिए मैं आपको रिकॉल करा दूं, प्रेशर एम्पलीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड को इस तरह से हमने रिलेट कर रखा है, पी नॉट इज इक्वल टू बीटा के एस नॉट, हियर के इज वेव नंबर 2 पाई बाय लैम्डा इनटू एस नॉट, या फिर हम के की जगह यह भी लिख सकते हैं बीटा वी बाय ओमेगा इनटू एस नॉट, और इस बीटा की जगह पर हम स्पीड से हम बीटा की वैल्यू लिख सकते हैं, हम जानते हैं वेलोसिटी इज अंडर रूट ऑफ बीटा बाय रो और बल्क मॉड्यूलस इज वी स्क्वायर रो। अब कौन सा फॉर्मूला लेना है जरा देख लीजिए, मैं कहूंगा वेलोसिटी पता है, फ्रीक्वेंसी पता है, फ्रीक्वेंसी पता है तो ओमेगा भी पता लग जाएगा, तो मैं तो यह लेता हूं, मैं बीटा की जगह वी स्क्वायर रो लिखता हूं, सॉरी ओमेगा बाय वी है इधर, ओमेगा बाय
v. So this is v square into omega की जगह 2 pi f by v into s naught. तो मैं एक v से v काट दूंगा और अब जो हम उसको देखेगा p naught is equal to 2 pi f v rho into s naught और s naught is equal to p naught upon 2 pi f v into rho. यह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा मैं p naught की जगह पर, यह जो आया है मैं इसी समय आंसर देख लेता हूं पीछे से और वहां आंसर भी लिखने लगता हूं. इट्स 51st प्रॉब्लम, जरा ध्यान से देखें, सॉल्व करके एक बार देख लीजिए. इंटेंसिटी जो हमें मिलनी चाहिए दैट इज 44 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 वॉट पर मीटर स्क्वायर, और 44 मिली वॉट पर मीटर स्क्वायर. यह तो इंटेंसिटी मिलेगी. पी नॉट 6 पास्कल, पी नॉट 6 पास्कल मिल जाएगा, और जो डिस्प्लेसमेंट है इधर मैं 6 पास्कल लिखूंगा अपॉन 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी की जगह 2000, स्पीड की जगह 340 और रो की जगह 1.2. यह सब्स्टिट्यूट करके इसे सॉल्व करूंगा तो डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड एस नॉट इससे जो मुझे मिलेगा वह है 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर्स. यह मुझे एस नॉट मिलेगा और 1.2 माइक्रोमीटर. दिस आर द आंसर टू द 3 पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स. देखिए एक ही प्रॉब्लम में आपको कितने सारे एक्सप्रेशंस रिवाइज करवाए गए हैं, इस बात को समझिए. मैं एक बार रिकॉल करा दूं, इंटेंसिटी इज पावर पर यूनिट एरिया, पावर ट्रांसमिटेड पर यूनिट एरिया. यह एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो इस प्रॉब्लम में आपको समझाने की कोशिश की गई है, इस बात को देखेंगे. फिर इसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन इंटेंसिटी एंड द प्रेशर एम्पलीट्यूड. यह हमने थ्योरी पढ़ते समय ऐसे भी देखा था, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ प्रेशर एम्पलीट्यूड, और यह एग्जैक्ट रिलेशनशिप. और फिर प्रेशर एम्पलीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड के बीच में रिलेशनशिप, यह हमने थ्योरी में देख रखा है. प्रेशर वेव और डिस्प्लेसमेंट वेव दोनों में पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस होता है, और प्रेशर एम्पलीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड इस तरह से रिलेटेड होते हैं. यह फॉर्मूले, यह कंसेप्ट, यह फंडामेंटल यदि हमें याद रहते हैं, साथ में स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला भी हमें इधर अप्लाई करना पड़ा, देखना पड़ा, और प्रेशर एम्पलीट्यूड के लिए नए तरीके से एक एक्सप्रेशन हमने लिख दिया प्रेशर एम्पलीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड में. और इस तरीके से इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को बड़े ध्यान से देखिए, ये सारे कैलकुलेशंस करके एक बार वेरीफाई जरूर कर लीजिए. मैंने तो कंसेप्ट लिखा है, उसमें वैल्यूज को प्लग इन करा है और फिर पीछे से आंसर देखकर सीधा आंसर लिख दिया, एंड आई एम श्योर कि ये बिल्कुल सही आंसर. इधर भी मैंने तो कंसेप्ट लिखा, फॉर्मूला लिखा, वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करी, सॉल्व करके अब आपको वेरीफाई करना है. आई नो दैट कि यह रिजल्ट आना चाहिए. तो इधर भी मैंने कंसेप्ट बताया, फॉर्मूला लिख दिया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके अब आप फाइनल रिजल्ट को चेक कीजिए. प्लीज नोट इट डाउन एंड देन स्टार्ट रीडिंग 52nd प्रॉब्लम.
Let us discuss 52nd problem. 52nd problem करना सिखाऊंगा, ध्यान से पढ़ते हैं. Find the change in volume of 1 liter kerosene. Change in volume determine करना है और 1 liter kerosene है. When it is subject to an extra pressure of, इस पर जो प्रेशर लगाया गया है वह 2.0 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, डेंसिटी ऑफ केरोसिन इज गिवन. डेंसिटी ऑफ केरोसिन इज 800 केजी पर मीटर क्यूब एंड स्पीड ऑफ साउंड इन केरोसिन, स्पीड ऑफ साउंड इन केरोसिन इज 1330 मीटर पर सेकेंड. अब देखिए, इधर से इस डेटा से हम बल्क मॉड्यूलस निकाल सकते हैं. कैसे, हम अच्छी तरह जानते हैं स्पीड ऑफ साउंड इज अंडर रूट ऑफ बल्क मॉड्यूलस अपॉन डेंसिटी. सो दिस वुड गिव मी बल्क मॉड्यूलस इज इक्वल टू रो वी स्क्वायर. सो बल्क मॉड्यूलस इज इक्वल टू, रो की जगह मैं लिखूंगा 800 और वी स्क्वायर की जगह मैं लिखूंगा 1330 होल स्क्वायर. अब बल्क मॉड्यूलस की डेफिनेशन क्या है? माइनस पी बाय डेल्टा वी बाय वी. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बल्क मॉड्यूलस. इससे हमको सीधा सीधा आंसर आता दिख रहा है. बल्क मॉड्यूलस जो हमने डिटरमाइन कर रखा वो इधर लिखूंगा. प्रेशर हमें दे ही रखा है, वी हमें दे रखा है, डेल्टा वी हमें निकालना है. तो मैं तो एक्सप्रेशन लिख देता हूं डेल्टा वी के लिए. डेल्टा वी इज इक्वल टू, मैं माइनस ऑफ डेल्टा वी लिखूंगा. माइनस इसलिए लिखा हूं क्योंकि प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम कम होता है. माइनस साइन का सिंपल सा है मतलब है कि इफ वी इंक्रीज द प्रेशर वॉल्यूम वुड डिक्रीज. डेल्टा वी इज इक्वल टू पी वी अपॉन बीटा. मैं चेंज इन वॉल्यूम डिटरमाइन करता हूं, दैट इज प्रेशर की जगह. एसआई सिस्टम में प्रेशर है, एसआई सिस्टम में ही बीटा है, यह भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ही है. वॉल्यूम की जगह 1 लीटर, तो डेल्टा वी भी लीटर्स में ही आ जाएगा अपने आप. और बीटा की जगह हम लिख देते हैं 800 × 1330 होल स्क्वायर. और सॉल्व कर लीजिए, डेल्टा वी की वैल्यू एग्जैक्टली लीटर्स में इधर हमें मिल जाएगी. मैं आंसर लिख देता हूं 52nd प्रॉब्लम. इट्स आप सॉल्व करेंगे तो 0.14 सेंटीमीटर क्यूब और 0.14 × 10⁻³ लीटर्स आएगा, जिसको आप 0.14 मिलीलीटर भी कह सकते हो और 0.14 सेंटीमीटर क्यूब भी कह सकते हो. दस 52nd प्रॉब्लम. इसी समय क्यों ना मैं 53rd भी करी दूं फिर. तो 52nd प्रॉब्लम बड़े ध्यान से देखिए. इसमें सिर्फ चेंज इन वॉल्यूम निकालना था ऑफ 1 लीटर केरोसिन. व्हेन प्रेशर इज गिवन, व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड ऑन इट, तो प्रेशर कम हो, प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम कम होएगा. कितना वॉल्यूम कम होएगा यही पूछा है. अब उसके लिए उन्हें डेंसिटी दे दी और स्पीड ऑफ साउंड दे दी. डेंसिटी और स्पीड ऑफ साउंड से हमको बल्क मॉड्यूलस मिल गया. कैसे, स्पीड ऑफ साउंड इज अंडर रूट ऑफ बल्क मॉड्यूलस बाय रो. सो बल्क मॉड्यूलस इज रो वी स्क्वायर. सो रो इंटू वी स्क्वायर. बल्क मॉड्यूलस की डेफिनेशन लगा दी, इससे हमें चेंज इन वॉल्यूम मिल गया. बल्क मॉड्यूलस की डेफिनेशन रिवाइज हुई और स्पीड ऑफ साउंड की एक्सप्रेशन वह रिवाइज हुआ. यह दोनों कंसेप्ट इस जगह पर हमें अच्छी तरह से रिवाइज हुए. अब हम 53rd प्रॉब्लम करते हैं. कैलकुलेट द बल्क मॉड्यूलस ऑफ एयर. अब इस जगह पर बल्क मॉड्यूलस पूछा गया है. फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अबाउट साउंड वेव ऑफ वेवलेंथ
साउंड वेव हैविंग वेवलेंथ ऑफ 35 मीटर्स ट्रेवलिंग इन एयर. द प्रेशर एट द पॉइंट वेरीज बिटवीन 1.0 into 10 to the power 5 plus minus 14 पास्कल. देखिए यहां तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है कांस्टेंट है और प्लस माइनस 14 पास्कल हो रहा है. प्रेशर जो है यह तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 14 पास्कल बढ़ता है मैक्सिमम और मैक्सिमम 14 पास्कल घटता भी है. कंप्रेशन में प्लस 14 पास्कल हो जाता है रेयरफैक्शन में माइनस 14 पास्कल. इसका मतलब है कि प्रेशर एम्पलीट्यूड है 14 पास्कल. पार्टिकल्स ऑफ द एयर वाइब्रेट सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड. सिंपल हार्मोनिक मोशन का एम्पलीट्यूड दे रखा है मतलब डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड दे रखा है दैट इज 5.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर्स. दिस इज द डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड. बल्क मॉड्यूलस पूछा है बड़ा आसान है. तो हमें ऑलरेडी पता है प्रेशर एम्पलीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड में यह रिलेशनशिप है पी नॉट इज इक्वल टू के बीटा के एस नॉट. और अब बीटा पी नॉट दे रखा है हमने देख लिया एस नॉट दे रखा है. बीटा हमें डिटरमाइन करना है के के की जगह हमने वेवलेंथ दे रखा है. K is wave number. It's 2 pi by lambda into S naught. इसे हम ऐसे भी लिखते हैं बीटा ओमेगा by V into S naught. और ओमेगा by V को हम 2 pi by lambda भी लिख सकते हैं. बीटा into 2 pi by lambda S naught. तो मैं तो यह फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा. मुझे बीटा डेटा माइन करना है तो बीटा के लिए मैं लिखूंगा इट्स पी नॉट लेमडा अपॉन 2 पाई एस नॉट. मैं यह फॉर्मूला लगा दूंगा. सो बल्क मॉड्यूलस बीटा इज पी नॉट की जगह पर मैं 14 पास्कल ऐसा ही सिस्टम में रखता हूं लेमडा की जगह पर 35 मीटर्स अपॉन 2 पाई एस नॉट की जगह पर 5.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6. इस तरह से मुझे बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू मिल सकती है. मैं सीधा सीधा आंसर देखता हूं और लिखता हूं. आप सॉल्व करके जरूर देखें इसको. 53rd प्रॉब्लम इट्स 1.4 इंटू 10 टू दी पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. इट्स 1.4 इंटू 10 टू दी पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. जरा ध्यान से देखिए दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ 53rd प्रॉब्लम. बल्क मॉड्यूलस पूछा गया था वेव लेंथ दे दिया गया और प्रेशर एम्पलीट्यूड को देने का तरीका समझिए. उन्हें प्रेशर का वेरिएशन दिखाया और इस वेरिएशन को देखकर हम समझ सकते हैं कि प्रेशर एम्पलीट्यूड 14 पास्कल है. डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड दे दिया एयर पार्टिकल्स का जो SHM के दौरान मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वह दे दिया. प्रेशर एम्पलीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड में जो रिलेशनशिप है जो हमें मेमोराइज करने की आवश्यकता है ये मैंने बताया था उसको अप्लाई करना है. और K के लिए हम 2 पाई बाय लैम्डा क्योंकि वेवलेंथ दे रखी. इस तरीके से हमने बल्क मॉड्यूलस के लिए एक्सप्रेशन लिखा वैल्यूज प्लग इन करी आंसर आया. ध्यान से 52nd 53rd दोनों प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को देखें 54th प्रॉब्लम करने की तैयारी करेंगे अब हम.